अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल खान व्लॉग। मैं बनाने लगी हूँ जी टर्किश मिर्च केक, जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ रेसिपी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुझे कंप्लेन भी किया गया था एक मेरे बड़े प्यारे व्यूवर की तरफ से। मेरी बहन ने कंप्लेन किया था कि उसका जो एंड है, लास्ट वीडियो जो है, वो ठीक नहीं है, सही से अपलोड नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं इसे दोबारा से शेयर कर रही हूँ ताकि जिन्हें नहीं पता चला इसका एंड, जो इसका फाइनल था वो नहीं पता चला, तो वो दोबारा से पता चल जाएगा। इसके लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैदा 1 कप है, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, ऑयल है 4 खाने के चम्मच है, और अगर कप से इसे देखेंगे तो ये 1/3 कप है, ठीक है जी, 4 टेबल स्पून। 1 कप चीनी है, 4 अंडे हैं। मैं ब्लेंडर में बनाऊँगी, तो जनाब पहले अंडे डाल लेते हैं इसके अंदर चारों। अच्छा जी, अंडे इसके अंदर चारों चले गए, 4 अंडे डाल दिए, और यहाँ पर मैं 1 कप चीनी इसके अंदर डाल रही हूँ। आप पाउडर वाली यूज़ करना चाहते हैं तो आप पाउडर वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं सिर्फ अंडे और चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखें, जब अंडे और जो चीनी है वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए थे तो मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया 4 खाने के चम्मच। ये 1 कप मैदा है और 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून जो है वो है बेकिंग पाउडर। तो अब मैं ये जो बैटर है ये इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँ, मैदे को और ये जो लिक्विड बैटर है, इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लूँगी सारे, ताकि जो दूध है वो अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा। टूथपिक से कर लें, मेरे पास ये शॉर्टलिक स्टिक थी तो मैंने उसके साथ कर लिया है। तो ये हो गया जनाब तैयार। और अब ये जो मैंने दूध मिक्स किया, मैं आपको फिर बता दूँ कि मैंने चीनी नहीं डाली। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी ले सकते हैं इसके साथ। और इसको मैं यहाँ पर दूध इसके अंदर डालकर आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी, ताकि ये जो दूध है केक के अंदर पूरी तरह से चला जाए, ठीक है। अब ये जो आपको यूँ तहता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये आधे घंटे बाद नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर चला जाएगा आधे घंटे बाद में। अच्छा जी, ये देखें केक जो है ये बेक हो गया। मैंने 15 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लिया, ठीक है जी। ये ज़रा मुझे रखते हुए पैन जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो केक का थोड़ा सा व्यू भी थोड़ा सा चेंज हो गया। प्यारी समझ गई। अब यहाँ पर ठंडा करने के बाद इसको मैं इसके अंदर डालूंगी, दूध है 1 कप और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने पाउडर मिल्क डाला, वो आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। और 1/2 कप मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, मार्केट से अवेलेबल होती है इजीली, आप कोई सी भी अपनी चॉइस पे ले सकते हैं। ये डाला और यहाँ पर 1/2 कप चीनी भी डलती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा मीठा नहीं लेती, घर में कोई भी नहीं इतना मीठा पसंद करता, तो मैं यहाँ पर चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो लास्ट में इसके ऊपर कैरेमल डालेगा वो भी बहुत मीठा होता है, वो भी चीनी मुझे अभी डालनी है। जैसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, ये देखें, मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और सारा दूध जितना था वो केक के अंदर चला गया। ये देखें, इसे ऐसे करने से भी दूध नहीं निकलेगा, वो सारा इसके अंदर चला गया। अब जो इसका ऊपर से कैरमल बनाना है उसके लिए मैंने लिया जी 1/2 कप चीनी ली है, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने बटर डाला, और इसी के साथ मैं इसका कैरमल बना दूँ, ठीक हो गया। चीनी को हल्की आंच पर आराम आराम से इसी के साथ डिज़ोल्व करेंगे बटर के साथ, और फिर इसका जब कैरेमल बनेगा तो उसके अंदर मैं 1/2 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम जो मैंने पहला आधा पैकेट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था दूध के अंदर, और आधा अब यूज़ हो जाएगा तो वो 1/2 कप है, बाकी का तो वो जब डालूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये देखें, कैरेमल काफ़ी हद तक बन गया। ये जो आपको छोटे छोटे ज़रे इसके नज़र आ रहे हैं अभी चीनी के, ये भी अभी हो जाएगा। और देखिए, इसे छोड़ना नहीं है आपने, बहुत हल्की आँच पर बहुत सब्र से ये काम होता है। आपने इसी तरह से इसका कैरेमल बना लेना। ये देखें, जब शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व होगी तो वो खुद ही अपना कलर चेंज करती है और उसके इस तरह से कैरेमल तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी जी शुगर क्रीम, सॉरी 1/2 कप क्रीम है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें, क्रीम डालने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी वापस से थिक, लेकिन
कोई बात नहीं है, इसे मैं चूल्हे पर ही रखूँगी अभी, और ये जो है ये क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो इसका बड़ा मज़ेदार सा कैरमल तैयार हो जाएगा, इसकी टॉपिंग तैयार हो जाएगी केक की। बस आपने हर काम बड़े प्यार से, सब्र से, हौसले से करना है जनाब। तो ये देख लीजिए, ये जो अभी यहाँ पर सख्त हो चुकी है, ये अभी इसे जैसे जैसे हीट लगेगी ये सब डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, क्योंकि क्रीम ठंडी होती है, क्रीम डालें, दूध डालें, कुछ भी डालेंगे तो चीनी जो है वो वापस थिक बन जाती है। तो यहाँ पर इसे हम क्रीम के साथ ही बड़े प्यार से मिक्स कर लेते हैं, इसका कैरमल बन जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, टर्किश मिल्क केक तैयार है। जो कैरमल था वो मैंने गरम गरम फ़ौरन से इसके ऊपर डाला और उसे स्प्रेड किया, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो वो नहीं निकलेगा पैन में से और ये स्प्रेड नहीं होगा। और बहुत हल्के हाथ से करना, क्योंकि जो केक है वो दूध की वजह से इतना सॉफ्ट हो चुका है कि उसे उंगली भी लगी तो वो सारा टूटता रहेगा। आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है। आगे आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर मज़ीद आपने वाइट चॉकलेट की टॉपिंग करनी है, एज़ यू विश, ये कम्प्लीट केक है। ठीक है जी, लास्ट टाइम इसकी यहाँ से आकर जो है इसकी कैरमल की जो वीडियो थी वो ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ा ये सेम चीज़। तो आप भी ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, फिर फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।